नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, वेस्टिज एप्लीकेशन का सही इस्तेमाल कैसे करें। देखिए, जो भी लोग नए जस्ट जुड़ते हुए वेस्टिज में, सबसे बड़ी समस्या उनके सामने, समस्या तो नहीं लेकिन उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। आपने वेस्टिज की एप्लीकेशन तो उनको डाउनलोड करवा दी, लेकिन वो एक्चुअल में इस्तेमाल कैसे करनी है। जैसे कि देखो, सबसे पहले जुड़ने के बाद सबसे पहले तो उनको अपना आईडी कार्ड बनवाना रहता है। मान लीजिए कुछ अटपटा सा पासवर्ड आया है तो उनको अपना पासवर्ड चेंज करना रहता है। कभी गलती से एप्लीकेशन में मोबाइल नंबर गलत डाल दिया है तो मोबाइल नंबर कैसे चेंज करें वो उनको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा जो फीचर्स होता है हमारे एप्लीकेशन में कि भाई रिफर अ फ्रेंड, देखो उसके ऊपर मैंने दो मजेदार वीडियो बनाए हैं जिसके लगभग 87,000 के करीब के व्यूज़ हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। बाद में मैं वीडियो में बताऊँगा वो कौन से वीडियोज़ हैं। तो एक्चुअल में रिफ़र कैसे करना चाहिए सही तरीके से, वो उनके पास जब मालूम होनी चाहिए। और कभी भी कि फ़िलहाल कौन सी ऑफर्स चल रही है, कभी मालूम ही नहीं होता है कि कभी आज 18 तारीख हो गई तो अभी भी क्या कोई ऑफर चल रही है, क्या आज 22 तारीख है तो क्या अभी भी कोई ऑफर चल रही है क्या, वो सारी जानकारी उनको अपने एप्लीकेशन से ही एक्चुअल में मिल जाती है। उसके लिए आपको बार बार उनको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, ना ही उनको आपको फ़ोन करने की ज़रूरत है। तो सारा कुछ जानेंगे कि हाउ टू यूज़ वेस्टिज एप्लीकेशन, तो लेट स्टार्ट, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आप वो तीन लाइन पर क्लिक करते हो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास खुल जाते हैं, क्योंकि वेस्टिज की एप्लीकेशन जस्ट रिसेंटली 4 दिन पहले वापस से अपडेट हो गई है, तो बहुत सारे नए नए फीचर्स उसके अंदर आ गए हैं। लेकिन आज ये वीडियो में देखो बहुत सारे फीचर्स है, सारे फीचर्स एक ही वीडियो में नहीं कवर हो पाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्कीम्स, मतलब कि जो भी हमारी ऑफर्स करंट में चल रही है वो आपको कैसे पता करनी है। आपका खुद का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी कार्ड अगर बनवाना है तो कैसे बन सकता है, आपको अगर आपका पासवर्ड चेंज करना है तो कैसे करना है, रिफर अ फ्रेंड किस तरीके से करना होता है, और अगर आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो आज फिलहाल ये 5 पॉइंट हम ये वीडियो में कवर करेंगे। फिर आपकी डिमांड होगी कि सर हमें ये भी जानना है वो भी जानना है, आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको और कौन से पॉइंट पे डिटेल वीडियो चाहिए, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी कार्ड। देखो, अगर आप जुड़े हो वेस्टिज में, चाहे आप नए हो या पुराने हो, सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि आपके पास आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। गवर्नमेंट की भी कुछ गाइडलाइंस आ गई है, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी मुंह उठा के चले गए और बोल दिए मैं वेस्टिज से आ रहा हूँ, वेस्टिज का डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसा नहीं। आपके पास एक प्रॉपर आईडी कार्ड होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इधर सिंपल सभी के स्टेप्स में बता दे रहा हूँ। स्टेप वन, आप जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करोगे, ये जो ऊपर राइट हैंड में स्टेप वन में दिखाया गया है, 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करोगे पूरा मेनू आपके सामने ओपन हो जाएगा। मेनू में जैसे आपने सेकंड स्टेप में आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी कार्ड, सीधा उसके ऊपर आपको सीधा टैप करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने आपका नाम वाला आईडी कार्ड एक ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नंबर लिखा रहेगा। मैंने यहाँ पर हाइड किया है। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के सामने आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी रहेगा, आपका नाम भी उसमें लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे कि मेरे केस में ये मिताली निमेश जोशी लिख के आ गया है, और फ्रंट एंड बैक दोनों साइड है। आपको थर्ड स्टेप में करना क्या है, ये एक्सपोर्ट पीडीएफ जो लिखा है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे आपके मोबाइल में इसकी एक पीडीएफ फाइल सेव हो जाएगी। सिंपल, फिर वो पीडीएफ फाइल की कहीं पर भी बात जेरोक्स की दुकान में जाके या आपके घर में प्रिंटर है तो आप प्रिंटआउट निकाल लीजिए। जो व्हाइट स्पॉट दिया गया है वहां पर आपको अपना फोटो पेस्ट करना है, आपका पूरा एड्रेस हाथ से लिख देना है, सिग्नेचर कर देनी है, बस सिंपल उतना करना है। और ये बैक साइड में आप चाहो तो अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नंबर वापस से लिख दो या फिर अपना सिग्नेचर कर दीजिए, और उसको चाहो तो आप लेमिनेट करवा दीजिए। जैसे हमारा आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक लेमिनेट करते हैं, तो ऐसा एक आईडी कार्ड आपके पास होना कंपलसरी ही समझ लीजिए, होना ही चाहिए आपके पास। तो ये हो गया आईडी कार्ड कैसे बनता है, सिंपल। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर आपको समझो कि पासवर्ड चेंज करना है। जनरली जब हमारी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वेस्टिज अपने तरफ से एक पासवर्ड प्रोवाइड करवाती है, बट मान लीजिए वो पासवर्ड आपको याद नहीं रहता है, आपको मुंह जबानी याद रहे ऐसा कोई पासवर्ड आपको चाहिए, तो सिंपल वापस से फर्स्ट स्टेप में आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है। सेकंड स्टेप में आपको मेनू में से चेंज पासवर्ड को सिलेक्ट करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये थर्ड स्टेप वाला स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगा, उसमें जो ऊपर लिखा है एंटर करंट पासवर्ड, मतलब कि वेस्टिज की तरफ से जो पासवर्ड आपको मिला है वो पासवर्ड पहले आपको एंटर करना है। फिर एंटर न्यू पासवर्ड में आप अपना मनचाहा पासवर्ड एंटर कर दीजिए, और वही सेम पासवर्ड वापस आप कंफर्म पासवर्ड में एंटर कर दीजिए। बस उतना 3 डेटा डालने के बाद
फोर स्टेप आपको क्या करना है, चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे आपका पासवर्ड अपडेट हो जाएगा और आप फिर नेक्स्ट टाइम जब लॉगिन करोगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और ये नया पासवर्ड से आप एप्लीकेशन ओपन आसानी से कर पाओगे। तो ये हो गई दो बार, चेंज पासवर्ड और आईडी कार्ड। उसके बाद देखिए, कभी कभी होता है गलती से कोई मोबाइल नंबर आपने गलत डाल दिया डिस्ट्रीब्यूटर का, तो ये केस में भी स्टेप वन सिंपल है, तीन लाइन पे क्लिक करिए। स्टेप टू में अपडेट मोबाइल नंबर जहाँ लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये थर्ड स्क्रीन खुल जाएगा, वहां पर जो साइड में एरो दिया गया है ऑप्शन वाया रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, सिंपल उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो सबसे पहले तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, शुरू के दो डिजिट और चार लास्ट के दो डिजिट। आपको कंफर्म है कि यस यही है मेरा मोबाइल नंबर, तो आपको फोर स्टेप क्या करना है, एंटर न्यू मोबाइल नंबर। आप अब जो नंबर मोबाइल रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो वो मोबाइल नंबर डालिए और उसके नीचे जो गेट ओटीपी लिखा है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जो नया मोबाइल नंबर आपने डाला है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप एंटर करने से आपका फिर नया मोबाइल नंबर आसानी से यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। मतलब कि फ्यूचर में जो भी आपको करस्पोंडेंस जो मैसेजेस करने हैं या जो भी देखना है तो ये मोबाइल नंबर पे सारे डिटेल्स आ जाएंगे, तो बड़े आसानी से मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है। देखिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए, क्योंकि आप भी अब डिस्ट्रीब्यूटर है तो सब चीज़ों के लिए अपलाइन के ऊपर निर्भर मत रहिए, कुछ छोटे मोटे बदलाव है वो खुद आप अपने हाथ से ही कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, एकदम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर रिफर अ फ्रेंड। रिफर अ फ्रेंड आपको कैसे यूज करना है, तीन लाइन पे टिक करना है, उसके बाद मेनू ओपन होगा। रिफर अ फ्रेंड पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने देखो एक आपका ये रेफरेंस कोड निकल के आ जाएगा, और जैसे वो रेफरेंस कोड के नीचे जो शेयर वाला बटन है वो आपको शेयर पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में जितनी भी सोशल मीडिया ऐप है वो सब आपको दिखेगी कि आपको कहाँ पर शेयर करना है। जैसे आप ये फोटो में स्टेप फोर में देख सकते हो, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप बिजनेस है, टेलीग्राम है, तो ऐसे बहुत सारे जो भी आपके सोशल मीडिया है, फेसबुक है, वो सब आपको दिखेगा। तो वहाँ पर आपको जहाँ पर भी वो एप्लीकेशन शेयर करनी है आपका रेफरेंस कोड शेयर करना है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप पे क्लिक किया था, व्हाट्सएप पे क्लिक करने के बाद सारे कॉन्टैक्ट आपके वहाँ पर ओपन हो जाएंगे, और जैसे आप वो कोई कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करके मैसेज सेंड कर दोगे तो ये जो नीचे दिख रहा है इस तरीके का मैसेज सामने वाले को चला जाएगा। मैसेज में क्या लिखा है, हेलो दिस इज मिताली निमेश जोशी, लेट्स जॉइन वेस्टिज फैमिली बाय होल्डिंग माय हैंड और यूज माय रेफरल कोड, ने क्या और नीचे रेफरेंस कोड दिया हुआ है। तो सिंपल, आदमी जब भी अपने तरीके से जब खुद से वेस्टिज एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसको अप्लाई नंबर भले याद नहीं है, आपका रेफर कोड जैसे ही डालेगा वो आपके साथ डायरेक्ट जुड़ जाएगा। और नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ दोस्तों, ये जो दो वीडियोज है अब साइड वॉल्यूम की समस्या खत्म, और आखिरकार साइड वॉल्यूम का सॉल्यूशन मिल ही गया। उसमें जो ऊपर वाला वीडियो है उसमें बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको फ्रेंड को रिफर कैसे करना है, एक कोड कैसे सेंड करना है, कोड सेंड करने के साथ और क्या मैसेज उसके साथ में आपका पेस्ट होके जाना चाहिए, एकदम पूरा डिटेल में मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप। अगर उस तरीके से आप रेफरेंस कोड शेयर करते हो तो चांसेस 95% हो जाता है कि वो बंदा आपके साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो तरीका होता है, ऐसा नहीं कि कॉपी किया रेफरेंस कोड और पेस्ट करके सभी ग्रुप में सेंड कर दिया, वो रेफर कोड सेंड करने के भी कोई तरीके होते हैं, एक प्रोफेशनल वे से आपको वो रेफर कोड सेंड करना है। तो ये दोनों वीडियो की लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ, जो जिन किसी को भी पूरा डिटेल में जानना है कि अगर इस तरीके से हम शेयर करेंगे तो चांसेस और बढ़ जाएगा, तो पूरी वीडियो देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फॉर सी द करंट मंथ स्कीम एंड ऑफर्स। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, ये तीन लाइन पे क्लिक किया, स्कीम पे क्लिक करोगे तो सारे ऑफर्स आपके सामने खुल जाएंगे, लेकिन इधर मजे की बात ये है, मान लीजिए कि आज 20 तारीख हो गई है, रिपर्चेस की ऑफर निकल चुकी है, तो आपको वो दिखेगा ही नहीं है एप्लीकेशन में। मतलब कोई भी डेट को आप जिस डेट में वहां पर क्लिक करोगे उस दिन जो ऑफर चल रही है सिर्फ और सिर्फ वही ऑफर्स आपको वहां पर दिखेगी, तो एक बहुत बढ़िया बात है। मतलब आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, सर अभी भी ये ऑफर चल रहा है क्या, इसका देखिए क्या कंसिस्टेंसी मान लीजिए एक्सटेंड हो गई है, तो आप 14 तारीख को खोलोगे और 14 तारीख को भी अगर कंसिस्टेंसी चल रही है तो आपको ये स्कीम में दिखेगा, बट मान लीजिए एक्सटेंड नहीं हुई है तो आपको वहां पर वो कंसिस्टेंसी वाली ऑफर नहीं दिखेगी। तो सिंपल, बार बार किसी को फोन भी नहीं करना पड़ेगा कि सर ये ऑफर चल रही है क्या, ये ऑफर
आप सिंपल तीन लाइन पे क्लिक करिए, स्कीम के ऊपर क्लिक किए, आपको जो भी करंट अभी चल रही है वो सारी ऑफर्स इसके अंदर आसानी से दिख जाएगी। तो उम्मीद है ये जो पांच स्टेप है वो तो मैंने आसानी से समझा दिए। फिर भी अगर आपको कमेंट में आप लिखोगे कि मुझे इसके बारे में भी जानना है तो उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और फिर से एक सभी को रिक्वेस्ट है, जो मैंने दो वीडियो रेकमेंड किए हैं उसमें भी जो रिफर ए फ्रेंड वाला है वो जरूर से आप देखेगा, आपका बिजनेस डेफिनेट ग्रो करेगा। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो जरूर से देखेगा। तो मिलते कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।